नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी डानी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 2 साल के कार्यकाल के पूरे होने की खुशी में दिसंबर में ही अपने चहेते 11 मंत्रियों के लिए नई चमचमाती लेटेस्ट फॉर्च्यूनर कार खरीदने का फैसला लिया था। तो अब अपने वादे को पूरा करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने लगभग सरकारी खजाने से 5 करोड़ रुपए खर्च कर अपने चहेते मंत्रियों के लिए नई चमचमाती लेटेस्ट फॉर्च्यूनर कार खरीद ली है और सभी मंत्रियों के आवास तक उनकी नई फॉर्च्यूनर कार पहुंच गई है। तो वहीं आपको बता दूं, सरस्वती पूजा के दिन सभी मंत्रियों के आवास में उनकी नई चमचमाती फॉर्च्यूनर कार लग गई थी और कैबिनेट की बैठक में सभी 11 मंत्री अपनी नई चमचमाती फॉर्च्यूनर कार में बैठकर झारखंड मंत्रालय पहुंचे। अब देखिए इन तस्वीरों में कि सभी झारखंड के 11 मंत्री अपनी नई चमचमाती लेटेस्ट फॉर्च्यूनर कार में बैठकर झारखंड मंत्रालय पहुंचे हैं। तो वहीं मंत्रियों के लिए कार खरीदने के फैसले पर विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए यह सवाल किया था कि एक तरफ सरकार खजाना खाली होने का रोना रोती है तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता की गाड़ी कमाई से सरकार बेफिजूल के पैसे खर्च कर रही है। वहीं आपको यह भी बता दूं कि मंत्रियों के पास जो गाड़ियां थी वह अच्छी खासी थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने यह फैसला लिया कि सभी मंत्रियों को नई गाड़ी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि झारखंड सरकार के मंत्रियों के पास उपलब्ध गाड़ियां ज्यादा पुरानी है। बताया गया कि नेपाल हाउस व प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालयों समेत विभिन्न सरकारी कार्यालयों में एम्बेसडर, टाटा सफारी, इंडीवर, मार्शल या बुलेरो जैसी गाड़ियां बेकार पड़ी हुई है। इन वाहनों में कई ऐसी भी हैं जिनकी खरीद वर्ष 2025 से 14 के बीच में हुई थी। कभी राज्य के मंत्रियों की शान रही पुरानी इंडीवर गाड़ियां भी सड़ रही है। इनमें से कई गाड़ियों को मरम्मत के बाद इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन इनकी जगह सरकार ने नई गाड़ियां खरीद कर अपने मंत्रियों को तोहफे में दी। गाड़ी सर, नई गाड़ी के लिए देख रहे हैं, फोटो वोटो लेकर चलाइए। देखिए सर, अच्छी सरकार के लिए अच्छी इमारत, अपने घर सब कुछ सजा कर रखता है, दूसरे दूसरे स्टेट को दिखा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है जो पहले किसी मंत्री को गाड़ी मिला है। ये बात को बताना बढ़ाना आप ही जानते हैं। अब उठाकर 20 साल का इतिहास देखे तब आपको पता चलेगा कि कितने मंत्री को नई गाड़ी मिला। नहीं हम आपको नहीं, हमको एयरपोर्ट जाना है, हमको एयरपोर्ट जाना है, जा रहे हैं उत्तराखंड। क्या कहेंगे सर नया फॉर्च्यूनर के बारे में, क्या कहेंगे? कुछ तो बोल दीजिए। देखिए, प्रशासनिक कामों में जिस तरह के काम रहते हैं धरातल पर वाच करना पड़ता है, और जो सजेस्ट किया जाता है ये काम करने के लिए दिया गया है, सरकारी काम, और उसको सबको बखूबी इस गरिमा को देखना चाहिए। सर, खजाना खाली है, शिक्षित बेरोजगार सड़कों पे हैं, आप लोग को नौकरी देने के लिए कहा गया, आप लोग वादा भी करके आए, लेकिन आपको, आप लोगों का तो स्मार्ट सिटी में फ्लैट बन रहा है, नई गाड़ी मिल रही है, लेकिन युवा सड़कों पे, चाहे सहायक पुलिसकर्मी हो, जेपीएससी हो, एसएससी हो, क्या कहेंगे आप? तो पहली बार सरकार ने सभी वर्गों के लिए काम करना शुरू किया। सार्वजन पेंशन योजना के तहत करीब लाखों लाख वृद्ध को, जिनको 20 साल से, विधवा बहन को जिनको 25 साल से, दिव्यांग भाई को जिनको कई वर्षों से पेंशन नहीं था, सबको एक अधिकार दिया कि आपको पेंशन पाने का अधिकार है। पहले सब चीज़ों में कैटेगरी वाइज छात्रवृत्तियां मिलती थी बच्चों को, आज का कैबिनेट देखिए, सभी बच्चों को छात्रवृत्ति का प्रबंध किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के तहत सबको रोजगार करने के भी अवसर दिए गए। जितने डिलेड जो जेपीएससी की परीक्षाएँ थी वो कंडक्ट की जा रही हैं, सरकार परफॉर्म कर रही है, और पाँच साल में जब होगा कि पिछली सरकार ने कितनी नौकरियां दी हमने कितने को दिया, पिछली सरकार ने कितना पेंशन दिया हमने कितने को दिया, पिछली सरकार ने किस व्यक्ति की ऋण माफ़ी की हमने कितने लाख का किया, पिछली सरकार ने कितने नए राशन कार्ड बनवाए हमने कितना बनवाया, पिछली सरकार में हेल्थ का इंडेक्स किया था हमने, कोरोना में काम करते हुए क्या इंडेक्स को पहुँचाया, पिछली सरकार ने कितनी धान अधिप्राप्ति की।